किसी राजनीतिक शब्दावली में नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव हुआ है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में हुए बदलाव और आम नागरिकों उनके अधिकारों से जागरूक कराने के लिए भी केंद्रीय संचार ब्यूरो ने जो पहल की है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम कहते हैं कि मीडिया इज द मैसेज। जनसंचार में हम जो माध्यम चुनते हैं वही तय करता है कि आप जो कहना चाहते हैं वह लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये जो रिपोर्ट कार्ड आपने प्रदर्शनी के माध्यम से देखा है ये 9 वर्षों के कामों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ कि देश के करोड़ों नागरिकों के सपनों, उनकी आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। अनेक सेक्टर्स में मात्र उपलब्धियों के आंकड़े नहीं बल्कि लंबे समय के बाद मुख्य धारा से जुड़े समाज के कमजोर, गरीब लोग, वंचित लोग और ग्लोबल ग्रोथ से जुड़े मिडिल क्लास की ख्वाहिश के पूरे होने की आहट भी है। लंबे समय तक विश्व में हमारे देश की एक छवि बनी थी। अनेक लोग कहते थे कि भारत एक ऐसी समृद्ध भूमि है जहाँ गरीब लोग रहते हैं। इंडिया इज ए रिच लैंड वेयर पुअर पीपुल लिव्स। पिछले 9 वर्षों में आज कहा जा रहा है कि भारत एकमात्र भूमि है जिससे पूरी दुनिया को नई आशा, नई आकांक्षा प्राप्त हो रही है और अब कहा जा सकता है इंडिया इज द ओनली लैंड इन दिस वर्ल्ड विच ऑफर्स न्यू होप, न्यू एस्पिरेशन टू द वर्ल्ड टुडे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सिर्फ समाज में समृद्धि नहीं आई है बल्कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूँ, हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी के प्रति पूरी दुनिया में एक आदर और सम्मान का भाव पैदा हुआ है। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो सिर्फ किताबों में किसी फंक्शन में हम सुनते थे। महिलाओं को उनका अधिकार देने की चर्चा लंबे समय से देश में चल रही है, अधिकार संपन्न बनाने के प्रयास भी हुए, लेकिन आज मैं कह सकता हूँ 9 वर्ष में हमारी बहनें, माताएं जिस तरह से अधिकार संपन्न हुई हैं, आज भारत के विकास की यात्रा में बहनों की भागीदारी बराबर की है। 10 करोड़ से ज़्यादा धुएं से भरे हुए किचन को LPG कनेक्शन देकर अनेक बहनों की जिंदगी को बदलने का काम किया गया है। 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स का निर्माण इस देश में किया गया है। अभी तक पिछले 2 वर्षों में 12 करोड़ घरों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है और जम्मू कश्मीर में भी इस वर्ष के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रधानमंत्री जी के कारण सफल हो सकेगा। 27 करोड़ से अधिक बहनों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके उन्हें ताकतवर बनाने का काम किया गया है। नौजवान ऊर्जा को देश की ऊर्जा के साथ जोड़ने के 9 वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं मैं समझता हूँ वो भी अविश्वसनीय है। 70 वर्षों में देश में 8 एम्स बने थे, पिछले 9 वर्षों में 15 एम्स बना दिए गए। 7 नए IIT, 7 नए IIM, 390 नए विश्वविद्यालय, PM कौशल विकास योजना के तहत 1,37,00,000 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग। इन कार्यों से हमारा देश का युवा यूथ सामर्थ्यवान बना है।